भाई और आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक। लड़की की घर का सीन चल रहा है, ये लड़की के फादर बने हैं लोकेश मोहन खट्टर जी। इनको आपने दंगल फिल्म में भी देखा होगा और बहुत सारे थिएटर्स प्लेस में ये अपने एक्टिंग का जलवा दिखाते रहते हैं। भाई साहब, आपकी कुड़ी अंडरवेट है तो मेरी मानो तो वापस हो लो, ऐसे कुछ खिलाओ पिलाओ, हट्टा कट्टा बनाकर अगले साल फिर ले आना। इस तरह लड़ेगी तो हाथ पैर टूट जाएंगे। आप बस यो बताओ कि लड़ सके है कि ना। जाओ जी, लड़ो लड़ो। चल, नाम लिखा। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। आज ये सॉन्ग का शूट चल रहा है, कास्ट वर्सेस लव। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया इस गाने के अंदर। और मैं कहूँगा कि हर परिवार को, हर बच्चे को, हर पेरेंट्स को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। अगर आपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दिए हैं कि वो आपकी बात को समझ सके, तो मैं ये चाहूँगा कि वो बच्चे जो इच्छा करते हैं या बच्चों की जो तमन्ना है, माँ बाप को भी उसके बारे में सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि बच्चे ही माँ बाप की भावनाओं को समझें, माँ बाप ने भी बच्चे की भावनाओं को समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत आजकल के टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार गलत यूज भी हो जाता है। बहुत बदलाव आ रहा है समाज में। बिल्कुल, तो अभी आप लड़की के फादर का रोल कर रहे हैं, तो अभी हमने एक सीन में देखा भी कि बिना ग्लिसरीन के जो अक्सर एक्टर यूज करते हैं, नेचुरल आंसू आपकी आंखों में दिखाई दिए, वो ऐसे क्या टेक्निक है ताकि जो बॉलीवुड ये टेक्निक नहीं, वास्तव में आपका फीलिंग कैसी है, आप सोचते कैसे हैं, आपका आपका परिवार के साथ आप अपने परिवार के बारे में सोचिए ना कि आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा है, किस तरह के इमोशंस जुड़े हुए हैं। अगर आप कहीं भी यहाँ एक एक्टर्स फैमिली है, तो क्या वो मेरी फैमिली नहीं हो सकती? तो अगर मैं उसको अपनी फैमिली मान, अगर मैं उस इमोशंस के साथ पेश आऊंगा, तो बट नेचुरल है वो इमोशंस बेटी के साथ, बीवी के साथ, माँ के साथ, सबके साथ वो इमोशंस जुड़े हुए हैं और वो आपको कहीं ना कहीं आपके यहाँ आएंगे, यहाँ से निकल गए। बिल्कुल, और वो आपके आंसू में बदल जाएंगे अगर कुछ ऐसा है तो। आंसू जरूरी नहीं कि कोई दुख या तकलीफ के हो, खुशी के भी हो सकते हैं, खुशी के भी हो सकते हैं। इमोशंस में ऐसा नहीं है कि जब एक बेटी को एक बाप या एक माँ विदा करता है तो तब भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू होते हैं। बिल्कुल 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 ठीक ने कहा आपने, कहा कि आंसू भी आते हैं, एक्सप्रेशंस भी आते हैं, और वो स्क्रीन पर वो लोकेश मोहन खट्टर नज़र नहीं आते, वो कैरेक्टर नज़र आते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा होगा कि अगर आप भी एक्टिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो ये जो है इमोशंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।